हेलो दोस्तों, मैं हूं नबीन और आप देख रहे हैं मूवीज विद नबीन। सो भाई लोग, आज मैं आपके लिए नेटफ्लिक्स की 5 ऐसी सीरीज लेके आया हूं जो हम जैसे टीनेजर्स को लाजमी देखनी चाहिए। और हाँ, इस लिस्ट में गेम ऑफ थ्रोन्स, मनी हीस्ट और सेक्स एजुकेशन जैसी सीरीज का नाम नहीं है, क्योंकि भाई लोग उसके बारे में सब जानते हैं। तो चलिए बगैर देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई लोग, हमारे लिस्ट में नंबर 5 पर है 5.7 IMDB रेटिंग के साथ सेक्स लाइफ। ये स्टोरी है एक ऐसी लड़की की जो अपनी सेक्स लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। लाइक शादी से पहले वो एक बहुत ही प्लेगर्ल टाइप की लड़की थी जो क्लबिंग शबिंग करती थी और हुकअप्स वगैरह करती थी, लेकिन जैसे ही उसकी शादी होती है तो उसका हस्बैंड निकलता है नल्ला। उसका हस्बैंड उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो वो अपनी लाइफ कुछ देर वैसे ही स्पेंड करती है, लेकिन साथ ही साथ वो अपने पास्ट को मिस करती है और इसी दौरान उसको उसका फेवरेट एक्स मिल जाता है। वो अपने एक्स के साथ दोबारा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देती है और इसके बाद जो होता है, या क्या वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है या नहीं, ये सब कुछ देखने के लिए, सारा ड्रामा देखने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। तो मेरी लिस्ट में नंबर 4 पे है 6.7 IMDb रेटिंग के साथ क्लेरिस्कोप। ये एक अमेरिकन हाइस्ट ड्रामा है जिसमें 7 लोगों का ग्रुप मिलकर $7 बिलियन चोरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी धोखेबाजी, उनका लालच और कुछ और चीजें उनके प्लान को नाकाम बना देती है। पर ये तो $7 बिलियन लेके निकल जाते हैं। हाँ भाई, तो फिर नाकाम कैसे हुई? तो भाई लोग, यही तो इस सीरीज का ट्विस्ट है और ये सब जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। तो भाई लोग, मेरे इस लिस्ट में नंबर 3 पर है 6.5 IMDb रेटिंग के साथ सेक्सीफाई। ये एक्चुअली स्टोरी है 3 कॉलेज गर्ल्स की जो एक टेक कंपटीशन को जीतने के लिए एक सेक्स ऐप बना रही हैं। ये ऐप एक्चुअली मर्दों की हेल्प करेगा कि वो अपने पार्टनर्स को सेटिस्फाई कैसे करें, लेकिन इस स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि एक्चुअली जो इस ऐप को बना रही है वो खुद एक मर्चेंट है, यानी उसको पता ही नहीं है कि ये सब होता क्या है। भाई लोग, इसी चीज के लिए सारी स्टोरी रोटेट करती है। अब उसको ये ऐप बनाने में क्या क्या मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं, वो ये ऐप बना पाती है या नहीं, वो टेक कंपटीशन जीतती है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। तो भाई लोग, मेरे इस लिस्ट में नंबर 2 पर है 6.5 IMDb रेटिंग के साथ स्काई रोजो। भाई लोग, ये मेरी एक्चुअली पर्सनल फेवरेट सीरीज है, क्योंकि भाई लोग, मुझे प्रोस्टिट्यूट से वैसे बहुत सिंपैथी है और आई एम श्योर कि ये सीरीज देखने के बाद आपके दिल में भी प्रोस्टिट्यूट्स के लिए सिंपैथी पैदा होगी, क्योंकि भाई लोग, इस सीरीज में प्रोस्टिट्यूट्स की हार्डशिप्स और उनकी सफरिंग्स बहुत ही क्लीनली एक्सप्लेन की गई है। और हाँ, ये सीरीज मंटो लवर्स के लिए सबसे बेस्ट है। भाई लोग, इस सीरीज की स्टोरी 3 प्रोस्टिट्यूट्स की है जो कि एक्चुअली अपने पिंप रोमियो से अपनी आजादी हासिल करने के लिए $4 मिलियन लेके भाग जाती हैं और रोमियो अपने 2 गुंडों मोइसेस और क्रिश्चियन के साथ उनका पीछा करता है। अब वो पकड़ी जाती है या नहीं, या वो अपनी आजादी हासिल कर पाती है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको सीरीज देखनी है। तो भाई लोग, मेरी इस लिस्ट में नंबर 1 पर है 7.5 IMDb रेटिंग के साथ हॉलीवुड। तो भाई लोग, इस सीरीज में एक्चुअली हमें ये दिखाया गया है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हॉलीवुड का जो गोल्डन ईरा था उसमें स्ट्रगलिंग एक्टर्स, डायरेक्टर्स और राइटर्स को अपनी जगह बनाने के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ता है। तो भाई लोग, अब अगर बात कर लीजिए द ग्रेट नवीन के पर्सनल ओपिनियन की, तो भाई लोग, मुझे इस सीरीज का सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा कि जिस वे में इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि हॉलीवुड में रेसिज्म कैसे काम करता है। और आज भी हॉलीवुड में ऐसे बकचोद लोग पड़े हैं जो रेसिस्ट लोग हैं, जो कि ब्लैक और व्हाइट को इक्वली ट्रीट नहीं करते और ब्लैक लोगों को हॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। तो भाई लोग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए।